भाई देखो यंगिस्तान को जो जो चीज की जरूरत है वो सब इसमें है, मतलब युवा जो जिस दुनिया में जीते हैं, जो ख्वाब में जीते हैं, देखा है ख्वाब, मतलब युवाओं का जो है वो ख्वाब देखना जो है वो रोज का काम होता है, उनका हक भी है और वो ख्वाब पूरे करने के लिए वो मेहनत भी करते हैं। तो युवाओं का युवाओं को भी बहुत प्रेरित करेगा, बहुत पसंद आएगा। और गाना जो जावेद अली साहब ने गाया है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना बेस्ट गाना गाया अभी तक का, सबसे हालांकि सारे गाने उनके हिट है, लेकिन ये उन्होंने एक अलग यूथ का एक टोन उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो और अभी हम लोग दिलीप साहब और मैं उन्होंने बात कर रहे थे कि क्या इत्तेफाक है कि इसी टाइप का गाना 80s में गाया था सिलसिला फिल्म पर, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, उसे लिखा था जावेद अख्तर साहब ने और देखा जो ख्वाब इसे गाया है जावेद अली ने। तो देखिए जावेद जावेद कैसा मिला है, तो मुझे लगता है कि ये जावेद का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत हिट है और चलेगा गाना, और जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है दोनों को मिलाकर, मुझे लगता है कि ये बहुत पसंद आएगा। मुझे नहीं लगता आपको कि बॉबी में जैसे आए थे ऋषि कपूर और डिंपल, बिल्कुल तो लड़का वाकई में ऋषि कपूर जैसा लग रहा है, लड़की वाकई में डिंपल लग रही है। और मैं एक बात ये आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आर विजन ने इसको रिलीज किया, आर विजन, यस हमारा विजन, आर विजन, और आर विजन ने बहुत प्यारी कंपनी है। आर विजन ने अब तक जितने भी म्यूजिक रिलीज किए हैं मेरे ख्याल से उनके सारे म्यूजिक एल्बम भी हुए, बिल्कुल बिल्कुल, और ये नंबर भी उनका हिट होगा। और सबसे प्यारा तो ये कि देखा जो ख्वाब, साउंड इतना प्यारा है। दूसरा जावेद जी ने जो गाया है, मैं इसकी क्रेडिट राइटर को और सिंगर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर को भी दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आज का जो युग का जो साउंड है और जो म्यूजिक है, जो मेलोडी है, उन्होंने बहुत अच्छा, डायरेक्टर ने तो कमाल कर दिया। जो लास्ट सीक्वेंस उनकी देखी, जो इबादत की उनकी, पूरा जो युतियापा है इस गाने में देखने मिला है, जितना यूथ का जो युतियापा युतियापा बिल्कुल भाई। मैं तो समझता हूँ कि मुझे तो जरूरत है अच्छे दोस्तों की, अच्छी टीम की, अच्छे लोगों की, जो हमारे पुराने कलाकार है वो तो हमारी जड़ें हैं ही, नए जो है वो पत्ते हैं, हरे पत्ते, तो जड़ के बिना और हरे पत्ते के बिना पेड़ कभी अच्छा नहीं होता। और जब पेड़ों का मामला आता है तो फिर लोनावला कैसे बच सकता है। और सरपंच साहब, और फिर आर विजन की दया दृष्टि रहेगी तो हमारे अगले गाने भी उसी में आएंगे। हालांकि इस बार जो लॉकडाउन डॉलर जो मैंने फिल्म की है उसके गाने बिफोर भी आ रहे हैं, लेकिन इससे ये सिलसिला शुरू हो गया देखा जो ख्वाब से। इसके पहले भी उस लड़के का गाना इन्होंने रिलीज किया था आर विजन ने। आर विजन जो है नए कलाकारों को और खासकर टैलेंटेड कलाकारों को बहुत प्रमोट करता है, इसलिए तो कहा गया आर विजन, हमारा विजन, जैसे हमारा बजाज था वैसे हमारा विजन। इसको मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूँ कि आर विजन जो है सारे टेलीविजन के आगे निकल जाए और पूरे देश का विजन बन जाए, बिल्कुल रीजन और विजन सीजन भी बन जाए। आपने तो छा गए भैया, भाई वाह, आप इसके बारे में, अरे वाह वाह, आर विजन की रिलीज हुई जी जी मतलब बोलिए सर, मैं इतना ही बोलूंगा कि ये जो साहबजादे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, तो मेरी गुड विशेज इनके साथ में हैं। और मैंने गाना सुना है, बहुत ही ज़बरदस्त गाना है, देखा जो ख्वाब एक गाना आया था, देखा एक ख्वाब तो सिलसिले हुए, भूल भी तो हुए तो कांटे, जो भी वॉट एवर वॉज देयर, बट ये भी गाना वैसा ही इंशाल्लाह हिट होगा। और मेरी गुड विशेज इनके साथ में हैं और मैं दुआ करता हूँ कि नाज जी के ये भांजे हैं ये जबरदस्त हिट हो जाएं, ये गाना हिट हो जाए। मेरी इनकी इनके साथ में खुद विशेज हैं और बाकी तो यह है कि ऊपर वाले ने चाहा तो उम्मीद करते हैं जल्दी से हम लोग ये गाना देखें और आप लोग भी देखें और खूब मज़े करें, इंजॉय करें। हमारे दानिश साहब भी आए हुए हैं, दानिश साहब जो है ना बहुत बड़े, ये बहुत बड़े सिंगर हैं, क्लासिकल और इंडियन आइडल भी कर चुके हैं, और दिलीप साहब का तो तारीफ की जरूरत ही नहीं है, ये तो भैया अमित परिवार है। ये 30 साल से जो हंगामा कर रहे हैं और आज तक करते ही आ रहे हैं, 35 साल हो गए हैं, ये किसी को आने नहीं दे रहे, अपनी जगह छोड़ ही नहीं रहे, सब अपनी अपनी जगह है, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। दानिश साहब ने क्या कहना चाहेंगे एल्बम के बारे में, और जावेद अली सिंगर हैं और देखा जो ख्वाब है, देखा जो, मैं इस एल्बम के बारे में यही कहना चाहूँगा
कि इन लोगों ने इतनी मेहनत से ये एल्बम बनाया है, और मैं खुद भी सिंगर हूँ तो मैं जानता हूँ कि सिंगर कितनी मेहनत से गाना गाता है। तो मेरी बस ये विशेष है कि ये एल्बम बहुत कामयाब हो और बहुत नाम कमाए। और एक ये जो हाँ इन्होंने बताया कि जावेद भाई ने गाया है, जावेद अली जो सिंगर हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर हैं, और समझ लीजिए कि मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं, और समझ लीजिए उनकी आवाज़ अगर इनको इन साहबजादे को मिली है तो ये खुश नसीब हैं, और इंशाल्लाह ये गाना बहुत ही सुपर हिट होगा अल्लाह ने चाहा तो। और ये जावेद भाई तो इसमें जान डाल ही दिए हैं, और ये बच्चे ने भी बहुत अच्छा काम किया है, गॉड ब्लेस ऑफ देम। इन लोग को बहुत बहुत मेरी गुड विशेस और शुभकामनाएँ जावेद भाई को भी और नाज जी को भी, और इनके जो भांजे हैं इनका फैज़ तो नाम ही बहुत प्यारा है, अल फैज़ तो अल्फैज़ मेरी गुड विशेस आपके साथ में है। मेरी दुआ है कि आप एक नाम पैदा करो, नाज जी का नाम जो है ना वो सितारों की तरह जगमगा दो, उन्होंने बहुत मेहनत की है आपके लिए। तो अल्फैज़ मेरी गुड विशेस आपके साथ में है, गॉड ब्लेस यू। सर मैं कोटा राजस्थान से हूँ। मेरे को एक्टिंग बचपन से बहुत, तो मैं धीरे धीरे मतलब टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक वीडियो रील्स वगैरह ऐसे करके धीरे धीरे, तो फिर मुझे डायरेक्ट जाके फिर बॉम्बे आने का चांस मिला। फिर धीरे धीरे करके मैंने सॉन्ग्स के अंदर मेरे को अपॉर्चुनिटीज मिली, और फिर मेरे दो सॉन्ग्स पहले आ चुके हैं, फिर उसके बाद एक थर्ड अपॉर्चुनिटी मेरे को जावेद अली सर के सॉन्ग के अंदर मिली। और मेरे को सर बहुत खुशी है कि मेरे को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जावेद अली सर के सॉन्ग करने की। और मैं सांगली से हूँ, तो मैं मॉडलिंग, मेरा पैशन मॉडलिंग है, और एक्टिंग में तो नॉर्मली ज़्यादा नहीं है, पर ये अपॉर्चुनिटी मिलने से मतलब स्टार्टिंग हुई है मेरी मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों भी। सो मुझे ये सॉन्ग करके बहुत अच्छा लगा, जो जावेद अली सर है उनका सॉन्ग है जो वो बहुत अच्छा है, और मतलब कुछ तो मीनिंग है उस सॉन्ग का, इसलिए तो इतने आज वन डे में इतना व्यूज मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना अच्छे व्यूज मिलने चाहिए वगैरह। सो थैंक यू। तो ये पहला प्रोजेक्ट है आपका म्यूजिक एल्बम में? हाँ नहीं, मराठी मतलब मराठी सॉन्ग्स की है, बट ये हिंदी में फर्स्ट प्रोजेक्ट है। और ये इसमें क्या प्लानिंग आगे करियर को लेकर क्या करना चाहते हैं, और जो इस एल्बम से जुड़े लोग हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर और जो जिसमें सपोर्ट कर रहे हैं? सर मेरा आगे लेके भी एक्टिंग का है, बट मैं पहले ग्रेजुएशन कम्प्लीट करूँगा, फिर उसके बाद वापस को एक्टिंग को ही कंटिन्यू करूँगा। और इनके जो मेरे कोरियोग्राफर सर थे कौशल शेख जी, उन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ करा है सॉन्ग को, और उनसे हमें बहुत एक्सपीरियंस मिला। और हमारे जो नाजमा मैम का उनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। जो फर्स्ट तो सपोर्ट नाजमा मैम, वासिम सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, और जो कौशल सर है उन्होंने बहुत मतलब कि हर एक चीज़ समझा के बताया है कि है ना कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, और ये सॉन्ग बहुत अच्छा है। और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी, जो आर वी जन है तो उस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए। प्रोड्यूस तो से मेन तो जावेद सर ने इतना मेहनत, उनके हर सॉन्ग हिट होते हैं तो उस देखकर गाने के बहुत, उन्होंने बहुत हिट गाना और बहुत अच्छा गाना गाया, बाकी फीचरिंग भी बहुत अच्छी की है दोनों ने, अल्फेज ने और ऐश्वर्या ने, बहुत यंग हैं और उनका बहुत अच्छा वो भी रही है बॉन्डिंग भी, और अच्छा जो मेजोरिटी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी रही है दोनों की सॉन्ग के अंदर। सबने बहुत टीम वगैरह ने, हमारे जो कोरियोग्राफर थे कौशल शेख जी, उनका भी बहुत अच्छा वो रहा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बाकी और भी बहुत सबका ही बहुत सपोर्ट रहा है। मेन नाजमा मैम। अब तक कितनी वीडियो आप प्रोड्यूस कर चुके हैं? ये मेरी सेकंड वीडियो है, इससे पहले एक और वीडियो प्रोड्यूस हो चुकी है मेरी, और आगे भी नई शॉर्ट फिल्म की और थोड़े से दिन में आपकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है उस टाइम में। किस तरह से गाना ही आपके पास आया, झोली में किस तरह आया ये पास, किस तरह आपने अप्रूव किया कि आया गाना करना है मुझे, बाकी बहुत बेहतरीन गाना है जी। भी बैठ सोचने की, सर जावेद अली सर का गाना है तो सोचने की उसमें है ही नहीं बात, वो वैसे बहुत फेमस मैम का हमारा रिलेशन है, कुछ शूटिंग के लिए हेल्प लगती है तो कॉल करते हैं मैम, तो मैम को बोला दो लड़की है
तो दोनों लड़कियों को सिलेक्ट किया, तो गाना भी अच्छा था। तो सर आपसे आपका भी काफी सहयोग रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो देखो, मैं अभी किरण जी, ये जो हमारे राष्ट्रपति के अध्यक्ष है और मैं सरपंच होकर के, उन्होंने मेरे को बोला सरपंच ऐसा ऐसा है, तो उसके बाद मैं बोला ठीक है तो चलेगा, आप तो हेल्प कर रहे हैं उनको तो आप तुम भी करेंगे, जो अच्छा हो रहा है उसके लिए तो करना ही हेल्प। तो मैं तो ये वीडियो तो नहीं देखा था, लेकिन फर्स्ट टाइम आज देखा मैंने, तो सच्ची में बहुत बेस्ट है और नाम हो जाएगा इन लोग का तो सच्ची में। और मेरे को ये टीम का मैं सच दिल से एकदम बोलना चाहता हूँ कि हमारे लोनावला में जो भी कुछ और वीडियो बनानी तो उधर कुछ हेल्प लगेगा, तो मैं हमारे तरफ से हमारे मावल के आमदार है बापू साहेब भेगड़े, सुनाना सर के आमदार पूरे मावल के वो लड़के ही, तो उनका भी कुछ हेल्प चाहिए तो उनसे अपन हेल्प मांगेंगे और भी वीडियो शूट कर सकते हैं। अभी तो ये गाना बहुत अच्छा लगा, आपने देखा तो बहुत पॉपुलर हो जाएगा और ये गाना बहुत हिट हो जाएगा, क्योंकि जो गायक इनके बहुत बड़े हैं, इसके वजह से पूरा महाराष्ट्र में हमारे माहौल में इसका एडवर्टाइज हो जाएगा अभी, और ऐसे ही बार बार होते रहेंगे प्रोग्राम, तो हम लोग को अच्छा लगेगा और ये गाना हिट हो जाए इतना ही दुआ करता हूँ मैं। मैं बता दूँ, ये जो एल्बम है ख्वाब वाला और ये गाने बहुत अच्छे हिट होंगे। रीज़न इसके पीछे जो टीम है, जैसे वसीम जी है जो बॉलीवुड के बहुत बड़े पीआरओ हैं, नजमा जी हैं, प्लस सांगली से हैं और इनका नाम सुन अल्फेज जी हैं जो, और माने जी जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए। पहली बार लोगों को लगता है बहुत आसान है कैमरा फेसिंग करना या गाने में, पर इन्होंने फर्स्ट टाइम किया जो बहुत अच्छे काबिले तारीफ़ है। और गाना जो गाया जावेद अली, जावेद अली वो सिंगर है जो हमेशा ए आर रहमान के गाने गाते हैं, और इनके लिए गाना गाया है तो बहुत बड़ी बात है। और ये गाना 100% सुपर डुपर हिट होगा, और मैंने देखा बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जैसे कि आप सब लोगों को पता है मुंबई फिल्म अकेडमी 21 साल से है, पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे है, सारे फिल्म स्टडी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, साउंड, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोडक्शन, लाइटिंग, सिनेमाटोग्राफी, जिसको जिसमें डिप्लोमा करना है वो उस कोर्स में डिप्लोमा कर सकता है, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का कोर्स है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पास आउट हुए और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है क्योंकि कोई भी चीज़ जो 21 साल हो जाए और फिर उनके साथ में हम जुड़े हैं और हमारे स्टूडेंट्स का जो सपोर्ट और हमारे जो टीचर्स के सपोर्ट है उनकी वजह से आज जो हम लोग इतने आगे, वो बहुत अच्छा लगता है। और आप लोगों को पता है क्योंकि आप लोग भी बहुत सालों से जुड़े हैं और आप लोग आते रहते हैं और हमारे मुंबई फिल्म अकेडमी को बहुत आगे बढ़ाने में आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, खास मीडिया का, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। और फिर से मैं कहना चाहूँगा वसीम सिद्दीकी जी का और नजमा जी का, जैसे कि हर बार एकेडमी पूरे साल भर में 2 से 3 फिल्में बनाती है, तो इस साल भी हम 2 से 3 फिल्में बनाएंगे। शॉर्ट फिल्म्स तो बहुत सारे होते हैं जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए होते हैं, इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म एक अच्छा मौका है स्टूडेंट्स लोगों के लिए और नए नए डायरेक्टर्स लोगों के लिए। और साथ में जैसे ही थिएटर शुरू हो जाएगा, जैसे कि 22 तारीख से थिएटर्स शुरू होने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग फीचर फिल्में भी बनाएंगे और रिलीज़ करेंगे। Thank you very much. Thank you.